मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे। और आज मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल। कई सारे लोग हैं जिसकी पीआई एक्सपायर हो रही है और या फिर पुर्तगीज़ पासपोर्ट एक्सपायर हो रही है। यहाँ पे लंदन में तो अभी अपॉइंटमेंट ज़्यादा तक मिलती नहीं है, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा लाइक 4 months 5 months होता है। अगर आप पुर्तगाल जा रहे हो और आपको कैसे जाना है एम्बेसी में, इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से आपको बस पकड़नी है या ट्रैम पकड़नी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और आप क्या क्या कर सकते हो वो सब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आपको 2 दिन चाहिए पुर्तगाल जाने के लिए। एक दिन तो आधा दिन तो आपका सिर्फ एम्बेसी में ही निकल जाएगा, आधा दिन आपको घूमने को मिल जाएगा और दूसरे दिन आपको फिर एम्बेसी पर जाना पड़ेगा आपकी पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, या कलेक्ट कर सकते हो एयरपोर्ट से। Finally, I'm here in Portugal now. अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो, आपको PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और लोकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वो सब चेक करते हैं, तो मेक श्योर आप वो करके आना। और अभी मैं जा रहा हूँ सिम ढूंढने के लिए, बिकॉज के मेरे पास अभी UK की सिम है। अभी मोस्ट ऑफ द नेटवर्क ने UK में क्या किया हुआ है, वो अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं रोमिंग चार्ज, और आधे नेटवर्क वालों ने तो चार्ज भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेक श्योर आप पूछ के आना अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से कि आपका जो नेटवर्क है वो रोमिंग चार्ज होगा यूरोप में या नहीं, बिकॉज यूरोप UK यूरोप से आउट निकल गया है, उसकी वजह से हमें रोमिंग चार्ज अभी लगने वाला है। तो मेक श्योर आप सिम लेके आ रहे हो तो उसमें अपने नेटवर्क से पूछ के आना कि उसमें रोमिंग चार्ज फ्री है या नहीं। सो गाइस, आपको यहाँ से सिम कार्ड मिल जाएगा, चीप सस्ती वाली है, वो है 5 GB फॉर 10 pounds। यहाँ से मैंने पास लिए, ये है पास, और ये मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ बस, ट्रेन एंड ट्राम, सभी जगह आप यूज़ कर सकते हो ये पासपोर्ट। 3 दिन के लिए मैंने लिए हुए 18 euro में, तो यहाँ से आप ले सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो में, और मेट्रो से एक ही स्टॉप है, ये है मेट्रो का मैप। यहाँ सिर्फ 4 ही लाइन है टोटल, ये 4 ही लाइन है जो सारे लिस्बन में जाती है, तो आपको इजी रहेगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे हूँ अभी, ये टाउन है, यहाँ से मेरे को जाना है इधर मोस्कावन में, और वहाँ पे है पुर्तगीज एम्बेसी। बहुत सारी इंडियन शॉप है यहाँ पे। एरिया जो आप देख रहे हो ये पूरा एस्को का एरिया है। सो यहाँ पे आप, ये है वो कैंपस दी जस्टिका जो बिल्डिंग है, ये है जो एरिया, वहाँ पे आपको पासपोर्ट और BI करवा सकते हो। ये आपको दिख रही होगी लाइन, अभी तो कम है बट सुबह सुबह ज़्यादा होती है। अगर आप पुर्तगाल में नहीं रहते हो तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, आप कुछ भी लेके आ सकते हो, लाइक बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा।
तो ये है वो जगह जहाँ पे आप आपकी पासपोर्ट एंड वीजा करवा सकते हो। बट पासपोर्ट आपको मिलेगी एयरपोर्ट में, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और बीए करवानी होगी तो बीए आपको इधर ही मिल जाएगी, तो बीए इधर मिलेगी, पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट में मिलेगी, और दोनों इधर से करवा सकते हो। और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है उसमें आप रजिस्टर भी करवा सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट जो करवाना है वो इधर हो सकता है। तो आपको आपको और कुछ करवाना है तो आप इधर आके वो चीज़ भी इधर करवा सकते हो। सो उधर ट्रेन से मेट्रो से इधर आने के लिए 10 मिनट लगते हैं चल के, और बहुत सारी शॉपें आते हैं बीच में कॉफ़ी की, तो अगर आपको कुछ लेना है तो उधर से ले सकते हो बहुत सारी कॉफ़ी, और प्राइस भी कम ही है कि बहुत सारी है तो प्राइस सभी ने कम रखी हुई है। तो अगर आपको कुछ खाना है पीना है तो आप ले सकते हो। वो है सामने पुर्तगाल का फ्लैग, मे भी आपको दिख रहा होगा, बहुत दूर है। ये जो सा पीछे दिख रहा है ये अपना गिल भाई है, बहुत ही फेमस है इधर का। इसका नाम गिल क्यों रखा हुआ है मेरे को नहीं पता, आपको किसी को पता है तो मेरे को बता दो। और आप बीए करने आए हो तो बीए आपको 5 बजे मिलेगी, तो उसके बाद आप इधर इस एरिया पे आके घूम सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको कहीं और नहीं जाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सारी है इधर सभी बार एंड रेस्टोरेंट टाइप है, अभी तो बंद है, बहुत आई थिंक थोड़ा लेट खुलता है। इधर नॉर्मली इधर सोपे 12 बजे के 11 बजे के बाद ही खुलती है। तो ये सब रेस्टोरेंट टाइप जैसा एरिया है, यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए, यहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हो। और काफ़े शॉप रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है बहुत, तो अगर आपको कुछ खाना है तो इधर भी खा सकते हो। और यहाँ पे केबल लाइन है जो 6 यूरो पर पर्सन लेते हैं। अगर आपको इसमें आपको जाना है केबल में तो आप ये केबल ले सकते हो यहाँ से। और ये ऐसे बहुत दूर तो नहीं जाती, वो सामने आई थिंक आपको सामने दिख रहे बिल्डिंग बस वहाँ तक ही है, वहाँ से फिर ये रिटर्न आ जाती है। तो अगर आपको इसमें बैठना है तो इधर इसमें बैठ सकते हो। और ये एरिया है मिनिमम 5 मिनट वॉक करके इधर आ सकते हो वहाँ एम्बेसी से। और यहाँ पे ये होटल है, स्टार होटल है, तो सामने ब्रिज है। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, अगर आपको इधर आके बैठना है रिलैक्स होना है तो आप इधर बैठ सकते हो। देखो अच्छा है बैठने के लिए भी, अभी थोड़ा ठंडा है इधर, बस समर में आओगे तो वेदर भी अच्छा हो। तो यहाँ पे आपको सभी जगह के पेड़ मिल जाएंगे, सभी कंट्री के पेड़ इस पार्क में आपको दिखने को मिल जाएंगे। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर ये देखना, अच्छा है देखने। तो सामने वो स्टेडियम है, वहाँ पे इवेंट होते रहते हैं, बॉक्सिंग या वो सभी कुछ इवेंट होते हैं इसमें। तभी मैं आया हूँ मास्को डी गामा शॉपिंग सेंटर में, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो ये बेस्ट प्लेस है सी ए। इसके प्राइस जो हमारे यहाँ प्रीमार्क में है ना उसी तरह है, पर इधर की क्वालिटी
प्रीमैक्स से थोड़ी अच्छी है। अगर आपको कपड़े लेने तो इधर आ सकते हो। ये है पूरा शॉपिंग मॉल, ये बोट टाइप जैसा बनाया हुआ है इन लोगों ने। सेफ आप देखोगे तो वो पता चल जाएगा कि पूरे जो बोट टाइप सेप होती है ना अंदर में, वो उसी तरह से बनाया लग रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये वास्तो डी गामा का ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से आपको सभी यूरोप की ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ से बस भी आपको मिल जाएगी अगर आपको पुर्तगाल में कहीं पे भी जाना है तो। आप वास्तो डी गामा से आपको बस मिल जाएगी फातिमा जाने के लिए, तो यहाँ से आप बस पकड़ के फातिमा में पहुँच सकते हो। जा रहा हूँ मेट्रो में, यहाँ से ही ले रहा हूँ वास्तो डी गामा से, जहाँ पे ट्रेन स्टेशन है उधर मेट्रो भी उधर नीचे ही है, तो यहीं से मैं मेट्रो लेके अभी मेरी जो मैंने जहाँ गेस्ट हाउस बुक किया है उस तरफ जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाना है, यहाँ से फिलहाल हमें चेंज करना है, उसके बाद हमें जाना है यहाँ तक। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है सेंट्रल यूज का पूरा एरिया, ये यहाँ पे व्यू पॉइंट है। सेंट्रल यूज का ये व्यू पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, को देखना चाहिए एक बार। यहाँ पे पूरा टूरिस्ट एरिया है सेंट्रल यूज व्यू पॉइंट से। तो ये पूरा एरिया है बाइसा, इस एरिया को कहते हैं बाइसा। प्रॉब्लम हो गई बस का, मैं